देखिए, आपको मालूम है कि पिछले कल हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी गाइस। मैं कल राजगढ़ से दवाइयाँ भी लेकर के आया था, तो मैंने खाई है, तो मतलब कुछ खास, मतलब मेरी बॉडी अलाउ काम के लिए नहीं कर रही अभी, मतलब रेस्ट मांग रही है। तो इसलिए गाइस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना होगा, और किया है मैंने रेस्ट अभी। तो अब इसके बाद देखते हैं ये भी मैं काम कर पाता हूँ या नहीं, या क्या करता हूँ। तो बाकी अभी कुछ खास विशेष आज नहीं रहा। बाकी आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, ये हम दुआ करते हैं। और बाकी अब जो भी आगे होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी ओके गाइस, बाय। ओके गाइस, बाय। हेलो गाइस, तो हम घर में अभी बैठे हुए हैं। आज हमारे भाई साहब मेहमान आए हुए हैं, मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। हमारे सुरजीत ठाकुर जी, जो हिमाचल प्रदेश के आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे छोटे भाई हैं और आज घर पे आए हैं, तो आप इनसे मिल सकते हैं। ये हमारे सुरजीत भाई साहब हैं, नमस्कार। तो ये जानी मानी हस्ती है, हमारे तो भाई हैं और बहुत जानी मानी हस्ती है। ये अपना ही घर है, इनका घर है, आज घर आए हैं ये। तो घर में आते यहाँ पे भी रुके हैं कि भैया हमें चाय पानी करनी है, कुछ झाड़ू भी खाने हैं, तो इसलिए आज यहाँ पे रुके हैं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपके जितने भी दर्शक हैं आपके इस चैनल के, उन सभी को नमस्कार करता हूँ और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे आड़ू का बगीचा, कुछ सेब के पौधे और नाना प्रकार के और भी फल फ्रूट वाले पौधे इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं कि ये अच्छे हो, और जब भी हम इधर से गुजरे तो हमें भी इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा टेस्ट करने के लिए मिले, तो यही उम्मीद रहती है। इनके घर में जब भी मैं इधर से आना जाना मेरा होता है तो यहाँ बैठता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। जब बड़े दिनों बाद आता हूँ तो एक जो हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे है। बड़े प्यार से भाई साहब ने चाय बनाई और हमने भी चाय पी, तो बड़ा अच्छा लगा। और माता जी हैं यहाँ पे, इनसे मिलके भी ये खुशी हुई, और ये भी काफ़ी याद करते हैं अपने आप को कि भाई यहाँ पे आना है और इनके साथ बैठकर चाय और खाना खाने का एक अलग मज़ा है। तो मेरा तो एक फिक्स अड्डा है, जब भी मैं इधर से निकलता हूँ तो मुझे रुकना ही होता है यहाँ पे। कई बार तो मैं रात के लिए भी यहाँ पे रुकता हूँ, तो जैसा भी समय लगता है, कई बार नहीं लग पाता तो फिर दौड़ते दौड़ते बस इनके दर्शन करके निकलता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि ये सब चीज़ें मुझे नसीब होती रहती है समय समय पे। और आप सभी साथी बंधुओं से भी मेरा एक आग्रह, विशेष निवेदन है कि सुनील ठाकुर जी बड़े भाई हैं अपने और आजकल चैनल को लेके बड़े उत्सुक हैं और चाहते हैं कि ये भी अपनी जो डे टू डे की एक्टिविटीयां हैं वो आपके साथ साझा करें। तो साथियों, इसके लिए मेरा विनम्र निवेदन आपसे है कि आप इस सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, और इनके अच्छा कारोबार है यहाँ पर, जैसा कि बगीचा है, फिर फल सब्जियाँ अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से उगाते हैं, ग्रीन हाउस है इनके, इससे पहले फ्लोरिकल्चर का भी ये काम करते हैं, और सब्जियां भी हैं जैसे बीन्स है, टमाटर है, या शिमला मिर्च और लहसुन वगैरह हैं, तो वो भी इनके पास अच्छा है और अच्छी लोकेशन है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बगीचे का पूरा व्यू नज़र आ रहा होगा आपको, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर और काफ़ी दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई। तो गाइस मेरे भाई हैं, जी बहुत हमारे बहुत बहुत ही धन्यवाद। अच्छे भाई हैं। तो अब फिर इन्होंने अभी तो रुकेंगे कुछ टाइम, और थोड़ी देर के बाद शायद जाएंगे ये, पक्की फिर मिलते हैं आपको पास से। ओके गाइस, बाय। ओके बाय। तो फ्रेंड्स, कुछ बीन तोड़ने के लिए रह गया था, तो मैं अभी कुछ टाइम के लिए बीन तोड़ता हूँ और उसके बाद फिर घर जाएंगे गाइस। थोड़ी देर कुछ बीन तलान कर लेते हैं जो बचा है। ओके गाइस, बाय। तो दोस्तों, अब सारा काम हो चुका है, खाना हो गया है, ब्रश हो गया है, दूध पी लिया है, तो अब सो जाते हैं। सभी को हमारी तरफ से गुड नाइट, और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
दोस्तों और क्या कहें बाकी, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, ओके बाय गाइस, ओके बाय।